हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्राम। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक बच्चे के लिए एक समस्या का विषय होता है, और वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो लेट स्टार्ट। दोस्तों, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह पार्ट होता है जो वाक्य में कार्य को करता है, या वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्शनल सेंटेंस और एक होता है नॉन एक्शनल सेंटेंस। एक्शनल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, और नॉन एक्शनल सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि आप देखिए, दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगो, दे आर ए स्टूडेंट। जो हमारा पहला सब्जेक्ट सेंटेंस है वह है एक्शनल सेंटेंस। एक्शनल सेंटेंस क्योंकि इस सेंटेंस में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और वो एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट हमारा है दे। दूसरे वाले सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई सब्जेक्ट एक स्टूडेंट है, यानी वे विद्यार्थी हैं। क्लियर? तो दो प्रकार के सब्जेक्ट हो, दो प्रकार के सेंटेंस हो गए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को समझने के लिए आपने देखा कि इस वाले वाक्य में ये सब्जेक्ट एक काम कर रहा है, वो भी ईटिंग का काम, यानी आम को खा रहा है, खाता है। दूसरे वाले में यही सब्जेक्ट है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन है कि वे स्टूडेंट हैं। क्लियर? क्लियर दोस्तों? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या जो एक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट को समझते हैं। प्रेडिकेट वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होता है, या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही इन्फॉर्मेशन ही प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट अगर हम देख लें कि राहुल प्ले फुटबॉल, तो इसमें राहुल सब्जेक्ट हो गया, और राहुल क्या करता है, वो फुटबॉल खेलता है, तो राहुल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, प्रेडिकेट है। और इस कार्य को किसने किया, राहुल ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। यानी ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, और ये पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं। Children have not completed their homework. Children have not completed their homework. अब इस सेंटेंस में एक कार्य हो रहा है कंप्लीट करने का काम, और वो कौन कर रहा है,
चिल्ड्रन कर रहा है। तो चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो हो गया प्रेडिकेट। यानी जो कर रहा है, जो डूअर है, जो करने वाला है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और ये क्या कर रहा है, जो काम ये सब्जेक्ट कर रहा है, वही काम वही इंफॉर्मेशन ही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, आपको छोटा सेंटेंस भी मिलता है, आपको बड़ा सेंटेंस भी मिलता है, आपको और बड़ा सेंटेंस मिलता है। यानी आपका सेंटेंस दो शब्द का भी हो सकता है, तीन शब्द का भी हो सकता है, चार शब्द का भी हो सकता है, और भी सोवान ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जब दो शब्द वाला सेंटेंस होगा तो उसमें केवल एक पार्ट होगा सब्जेक्ट का, दो से अधिक पार्ट वाला होगा तो उसके और भी सब्जेक्ट के पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे देखिए, मोहन लाफ, मोहन लाफ, ए गर्ल इज कमिंग, ए गर्ल इज कमिंग सम नॉटी बॉय आर प्लेइंग। देखिए और एक सेंटेंस लीजिए, ए ब्लाइंड मैन सीटिंग इन गार्डन इज वेटिंग समवन। पहला वाला सेंटेंस है मोहन लाफ्स, इसका मतलब एक हमारा सब्जेक्ट है मोहन। दूसरे वाले सेंटेंस में ए गर्ल इज कमिंग, कौन आ रही है, एक लड़की आ रही है, तो ए गर्ल हो गया सब्जेक्ट। तीसरे वाले वाक्य में सम नॉटी बॉयज आर प्लेइंग, कुछ शरारती लड़के खेल रहे हैं, तो ये तीन चार वर्ड वाला हमारा सब्जेक्ट हुआ सम नॉटी बॉयज। इसके बाद है ए ब्लाइंड मैन सीटिंग इन द गार्डन, यहाँ पर जो हमारा पार्ट्स है वो काफ़ी बड़ा पार्ट्स है। पहला ए है, फिर उसके बाद ब्लाइंड है, फिर मैन है, सीटिंग इन द गार्डन है, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट हैं। मोहन, ए गर्ल, सम नॉटी बॉयज एंड ए ब्लाइंड मैन सीटिंग इन द गार्डन, ये हमारे सब सब्जेक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक शब्द वाला सब्जेक्ट है तो वो क्या क्या हो सकता है। एक वर्ड वाला सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। दो शब्द वाला है तो वो डिटरमाइनर हो सकता है और हेडवर्ड यानी नाउन हो सकता है, ये डिटरमाइनर या हेडवर्ड है। इसके बाद अगर तीन वर्ड वाला हमारा सब्जेक्ट है तो वो हो सकता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड यानी नाउन। अगर उससे भी अधिक, उससे भी बड़ा हमारा सब्जेक्ट है तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? तो अगर हम स्ट्रक्चर पे ओवरव्यू करें सब्जेक्ट के तो देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले हम जो है इसको दो पार्टों में बांटते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर को अगर बांट दिया जाए तो क्वालिफायर विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, डिटरमाइनर, एडजेक्टिवल फ्रेज।
और इसके बाद अब इसको अगर एक स्ट्रक्चर में लिखा जाए, ये तो पार्ट्स हो गए, स्ट्रक्चर में लिखा जाए तो पहले डिटरमाइनर आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। ये हमारा नाउन का पार्ट्स है और नाउन का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है। यानी कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखते हो तो देखते हो क्या उसमें डिटरमाइनर है, तो जो अगर डिटरमाइनर है तो सबसे पहले उसको लाते हो। डिटरमाइनर्स क्या क्या हो सकते हैं? डिटरमाइनर प्रोनाउन हो सकता है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो सकता है, डिटरमाइनर के बाद आप लाओगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आप लाओगे नाउन, नाउन के बाद आप लाओगे एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? तो ये था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी दो प्रकार का होता है, इसको कहते हैं क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर तीन भागों में चेंज हुआ, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। जब इसको हम एक स्ट्रक्चर एक वे में लिखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट को, तो होता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। गॉट इट? थैंक यू। अब आगे हम देखते हैं प्रीडिकेट के पार्ट को। उससे पहले एक उदाहरण लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। ए यंग गर्ल इन द मॉल इज वॉचिंग मूवी। देखिए, ए यंग गर्ल इन द मॉल इज वॉचिंग मूवी, इसका मतलब इसको हम बांटते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं और पता करते हैं कि कौन डिटरमाइनर है, कौन एडजेक्टिव, कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इसमें ए है डिटरमाइनर, यंग है एडजेक्टिव, गर्ल है नाउन और इन द मॉल है एक फ्रेज, और एक विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, और बाकी सब प्रेडिकेट का पार्ट। तो देखिए आप कितने सिस्टम से लिखा गया, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? चलिए दोस्तों, इसके अलावा भी सब्जेक्ट कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट कैन बी क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, इट हो सकता है या देयर हो सकता है। ये डमी सब्जेक्ट हैं, इनका वाक्य में कोई जो है मीनिंग नहीं होता, बस ये सब्जेक्ट ना होने के कारण सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाते हैं। तीसरा जीरंड हो सकता है, जीरंड हो सकता है। चौथा इन्फिनिटिव हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। और पांचवा जो है क्लाज हो सकता है। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। क्लियर? यानी ये सब भी हमारे सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, इसके बाद देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, इसके बाद आप इन्फिनिटिव में टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, इसके बाद है क्लाज। क्लाज में हम बोल सकते हैं कि वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन, यानी वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहता है पता नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में। दोस्तों प्रेडिकेट पार्ट में अगर हम सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं तो जो हमारा बचा हुआ भाग है वो प्रेडिकेट होता है। एक सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ से सेंटेंस का पार्ट, जहाँ से सेंटेंस
वर्ब से स्टार्ट होता है, वो वर्ब से लेकर के आगे जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स होता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। क्लियर? चलिए, यानी प्रेडिकेट वह है कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य है या सब्जेक्ट के बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन है, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के पार्ट को समझने के लिए देखिए, इसके तीन पार्ट हैं, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में तीन हो गए। एक हो गया जो है वर्ब, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट और तीसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से एक ही आता है, या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो कॉम्प्लीमेंट आता है। चलिए देखिए, वर्ब की भी कई पार्ट हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, फिर जैसे मॉडल वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट के पार्ट को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, शुड, वुड, ये विल, शैल, सॉरी शुड वुड नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं अगर ये मेन वर्ब के साथ आते हैं तो। मेन वर्ब का हेल्प करते हैं, मेन वर्ब के नौकर होते हैं ना, उनके हेल्पर होते हैं। क्यों हेल्पर होते हैं, क्या करते हैं? वो टेंस को डिनोट करते हैं। अगर देखिए इज, एम, आर आ गया तो आप क्लियर समझ जाते हो कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वाज, वर आ गया तो आप समझ जाते हो कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऐसे विल भी या शैल भी आ जाता तो आप समझ जाते हो कि फ्यूचर की बात होती है। तो ये हेल्पर होते हैं, और हेल्पर या नौकर हमेशा अपने मालिक के साथ होता है। जब ये अपने मालिक के साथ होगा, यानी मेन वर्ब के साथ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब होगा। और जब अकेले भी आ सकता है नॉन एक्शनल सेंटेंस में, तो मेन वर्ब का भी काम करता है। क्लियर? इसके बाद मॉडल वर्ब है, देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सो ऑन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब दोनों बोले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। इसके बाद मॉडल वर्ब में हो गया वुड, शुड, ऑट टू, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब है। मेन वर्ब तो आप जानते हो, प्ले, ईट, ईट, लाफ, वॉच, ये सब मेन वर्ब है। क्लियर? तो प्रेडिकेट का पहला पार्ट वर्ब है। वर्ब में ये तीन प्रकार के वर्ब आपको दिया गया, और बाद में और भी वर्ब कैटेगराइज किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ नहीं आता वो इंट्रांजिटिव वर्ब, वो हम वर्ब के सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझ लें। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो उस एक्शन को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, यानी सब्जेक्ट एक्शन पैदा करता है और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। जैसे ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। अब देखिए, एक मैंगो है, एक मैंगो है, ठीक है, एक मैंगो है, और मैंगो को कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, खा रहा है, ठीक है, ये खा रहा है। जब ये खाया तो ये ख़त्म हो गया, यानी ये थोड़ा सा ख़त्म हुआ, और ख़त्म हुआ, और ज़्यादा ख़त्म हुआ, यानी फिनिश हो गया। यानी इसने वर्क किया, और इस वर्क को कौन रिसीव किया? मैंगो रिसीव किया, यानी मैंगो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, मैंगो के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। यानी सब्जेक्ट हमारा एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट हमारा उस एक्शन को, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करता है। क्लियर? तो इस प्रकार से दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग। और इनडायरेक्ट होता है लिविंग थिंग,
ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही गेव मी सम फ्रूट्स, ही गेव मी सम फ्रूट्स। देखिए ही हमारा सब्जेक्ट, जो पिछले पीछे पीछे बताया गया सब्जेक्ट क्या है, ये प्रोनाउन है, आप देखते ही समझ जाएंगे, यानी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसके बाद तुरंत वर्ब शुरू हुआ है। अब जैसे ही वर्ब शुरू हुआ तो ये पूरा पार्ट प्रीडिकेट हो गया ना, ये पूरा पार्ट प्रीडिकेट हो गया। मैंने बताया कि जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहाँ से लेकर अंत तक के पार्ट को हम प्रीडिकेट कहते हैं, और उसके पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये सब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अब प्रेडिकेट के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, मेन वर्ब आया है, यानी कोई भी हो सकता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब, चाहे मॉडल वर्ब, चाहे मेन वर्ब, वो अकॉर्डिंग टू सम सेंटेंस होता है। मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब के बाद एक प्रोनाउन आया है। अब ये प्रोनाउन किस केस में आया है भाई, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ऑब्जेक्टिव केस में आया तो ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या मी लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, एब्सोल्युटली दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स है ये, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग हो गया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सम फ्रूट्स क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब आपने देखा कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट देखिए, यानी ऑब्जेक्ट भी आपका कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन होगा तो उसका कोई केस नहीं है, प्रोनाउन होगा तो उसका केस होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, तमाम प्रकार के केस हैं, उसको हम प्रोनाउन के सेक्शन में पढ़ेंगे। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए प्रेडिकेट का तीसरा भाग कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं हिंदी में, पूरक मतलब पूरक, पूरा करने वाला, कार्य को पूरा करने वाला। सपोज दैट आपकी मम्मा है, खाना बना रही है, खाना पूरा रेडी हो गया, आप बैठे हो खाने के लिए, और खाना खाए जैसे एक निवाला, आपको पता चला नमक तो है ही नहीं, इसका मतलब खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा, खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो नमक को हम कहेंगे कि उस फूड का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? यानी जिसके ना रहने पर कोई अर्थ ना हो, सेंटेंस अधूरा हो जाए, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरा, उस सेंटेंस को पूरा करने वाला। देखिए राहुल इज ए डॉक्टर, राहुल इज ए डॉक्टर। सपोज दैट अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए तो क्या होगा, राहुल इज, राहुल है, राहुल है, अब क्या है भाई, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, तो ए डॉक्टर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए मोबाइल, तो अगर इसमें ए मोबाइल हटा दिया जाए तो आई हैव कंप्लीट ही नहीं है, क्या है भाई आपके पास, मेरे पास क्या है, एक मोबाइल है। क्लियर? एक मोबाइल है, तो यहाँ पे डॉक्टर और यहाँ पे ए मोबाइल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? तो दोस्तों आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, सेंटेंस के दो मुख्य पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट वह है जो वाक्य में कार्य को करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो तो कोई कहते हैं ना लोग, किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, यानी किस पर काम कर रहे हो, यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह पार्ट है जिसके विषय में, यानी
जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कार्य को करता है। प्रेडिकेट क्या हो गया? अब सब्जेक्ट कुछ तो काम कर रहा है या कुछ उसके विषय में कहा जा रहा है, जो कुछ उसके विषय में कहा जा रहा है या जो कुछ वह काम कर रहा है वो प्रेडिकेट हो गया।